सो गाइज हम लोग अभी यहाँ से रिटर्न जा रहे हैं। कितना टाइम हुआ है रे? 3 या 2.5 या कितना? 2:07 अभी 27। हम लोग जो सुबह से निकले थे बिना ब्रश किए बिना खाए और वैसे ही अभी जा रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत शॉर्ट लिए, मतलब सिचुएशन बहुत ही ख़तरनाक है, ठीक है ना? क्रिटिकल सिचुएशन है। सिचुएशन ऐसा है कि हम लोग जो आए थे लोकेशन देखने के लिए और यहाँ का शॉट लेने के लिए, लेकिन वो पहले सुबह 5 बजे आना था, जो कि बाद में प्लान चेंज हो के हम लोग कहीं और जाने वाले थे। फिर झट से 5 मिनट में बेमो भाई आके बोले कि नहीं वहीं पे जाना है, तो फिर से हम लोग और वो पैकिंग वैकिंग कुछ उसके हिसाब से हुआ नहीं, तो सारा कुछ छोड़ के ऐसे ही आना पड़ा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग फिर से रिटर्न जा रहे, जाके वहाँ पर पहुँच के जितना भी पैकिंग करके फिर यहाँ पर आना है और आके रबर प्लांटेशन का और भी शॉट लेना है, क्योंकि ये लोग शायद 2 घंटे में काम शुरू कर देंगे और हम लोग शायद 2 घंटे में जाके नहीं आ पाएंगे। अगर ऐसा होगा पहुंचेंगे वहाँ पे, पहुंचने के बाद ही झट से हम लोग को वहाँ से फिर से निकलना पड़ेगा, तभी कुछ पॉसिबल हो सकता है। लेकिन पता नहीं भाई बॉडी उतना साथ देगा कि नहीं देगा। खाए भी नहीं कुछ, कुछ भी नहीं खाए, नहाने का मन कर रहे हैं, मतलब बहुत ही गंदा हालत है। चलो भाई पहुंचते हैं, फिर बात करते हैं आप लोगों से। कड़कती धूप और ये गर्मी और ये चढ़ाई, ऐसा लग रहा है भाई हमारे वहाँ से भी ज़्यादा गर्मी लग रहा है यहाँ पे, नहीं? हालत ख़राब हो जा रहा है गाइस। अभी जाके फिर से सामान लेके फिर इतना दूर जाने के बारे में सोचते ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। बात करने का भी पेशेंस नहीं है। फाइनली आके हम पहुँच गए। ऐसा लग रहा है ना खड़ा होने के बाद पूरा इधर से आग निकल रहा है। 200 देखो, मुंह पूरा लाल हो गया है, अंदर गर्मी है, प्यास लगा है। एसी लगा, जल्दी जल्दी। हम लोग पहले भी गए थे अंडा लाने के लिए, ऐसे नहीं लगा था। अब ये जो धूप और ह्यूमिडिटी, पानी वानी पी की बात करते भाई। ओ भाई पता नहीं अभी फिर से कैसे रिटर्न जाएंगे, नहीं पता। टेंशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन कष्ट के मारे बाद में बात करते हैं। सो गाइस मैं भी आ गया फ्रेश होके। तो अभी आप लोगों को एक छोटा सा कॉमेडी वाला अपडेट देता हूँ, ठीक है? देखो हम लोग का खाने का इंतज़ाम हो रहा है, ठीक है? खाने गया था, तब तक यहाँ पे लाला आपको बोला था कि थोड़ा ऑनियन चॉप कर दे और मिर्ची चॉप कर दे, बहुत सारा कर भी दिया। क्या बनाने वाला था पता है गाइस? हम लोग बनाने वाले थे जो आटा को पूरा मतलब नरम करके उसके अंदर ये मिक्स करके, मतलब वो क्या बोलते हैं, पैनकेक जैसा, पैनकेक, हाँ पैनकेक जैसा बनाने वाले थे, ठीक है? तीखा वाला थोड़ा। लेकिन हम लोग ये भूल गए कि हम लोग गैस सिलेंडर जो है वहाँ पर छोड़ के आ गए, और अभी इतना टायर्ड है कि आग लगा के बैठ के वो बना के फिर खा के जाने का टाइम और मूड कुछ भी नहीं है। इसलिए जो भी बिस्किट वगैरह है वही खा के निकलेंगे यहाँ से, और क्या। और अभी और एक बार फिर से डिस्कशन करना है, निकलना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर रुकेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, हमारा कैमरा वगैरह सब वहाँ पर है। पर गाइस कुछ तो खाना तो पड़ेगा, थैंक गॉड। आज मतलब आज तो नहीं, आज सुबह एक मतलब बेमो भाई के पापा आके एक हम लोग को पपाया देके गए थे और लाला काट के लेके आया। वाह ये बड़ा सजा के लेके आया रे। यही आज हम लोग का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तो नहीं, स्नैक्स डिनर तो कुछ करना पड़ेगा आज के लिए, सब कुछ यही है। पूरा भयानक लगेगा खाने में इतना भूख में, नहीं? चलो गाइस ये खाते, भूख थोड़ा मिटाते, और हम लोग का यहाँ पे पूरा भयानक सीरियस डिस्कशन चल रहा है आज। मतलब ये शायद 10 बार डिस्कशन है हम लोगों का कल से लेके आज तक का। पता नहीं कौन सा कंक्लूजन पहुँचेंगे और क्या होगा, देखते। सो गाइस अभी टाइम हुआ है 5:30 और हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं वो रास्ते में। फिर से जाने में कितने, 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, जाके पहुँचते पहुँचते 7 बज जाएंगे शायद।
नहीं जल्दी 7 बज जाएंगे और फिर वहाँ पे जाके हम लोग का जो शॉट लेना पड़ेगा उसमें भी लेट हो जाएंगे। क्या ही दिक्कत है यार, बॉडी का तो छोड़ दो, दिमाग का कचुंबर होके रखा हुआ है। बॉडी का कचुंबर वो सहन लायक है भाई, लेकिन दिमाग का अलग ही है भाई। तो गाइज जाने में उतना ज़्यादा दिक्कत हो नहीं रहा है, शायद पूरा अंधेरा होने से पहले हम लोग पहुँच जाएंगे। नहीं जंगल में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, होता नहीं है पर ऐसा लगता है कि बहुत अंधेरा हो चुका है। तो गाइज अभी शाम के बजे हैं 6:30 को हम लोग आके पहुँचे हैं। बाहर उतना अंधेरा नहीं है लेकिन इसके अंदर पूरा भयानक अंधेरा दिख रहा है। चाँद निकल आया। तो चलो हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं। हाँ आ गए, बहुत लेट हो गया, जल्दी आने के सोचे थे लेकिन दूर है ना। हाँ बहुत दूर है। सो गाइज अभी रात के बजे आठ बजे और अभी खाना बनना चल रहा है, मतलब पीछे खाना बनाया जा रहा है। लाला और टिंकू दोनों बैठ के पूरा खाली बॉडी में बैठ के यहाँ पे खाना बनाया जा रहा है। हम लोग थोड़ा लेट आ गए, भैया लोगों को लगा था शायद हम लोग नहीं आएंगे। नहीं आपको लगा था हम लोग नहीं आएंगे ना? ओ हम इसे सोचा है अंधेरा हो गया तो वो लोग नहीं आएगा ऐसा सोचा है। चढ़ाई है उसके बाद दिक्कत हो गया। वहाँ से ही नहा के आए, पूरा हालत पूरा खराब हो गया था। रवि मतलब थोड़ी देर पहले हम लोग का थोड़ा बहुत शॉर्ट वगैरह चल रहा था, बहुत मजा आया उसमें। तो बात किया या भूख लगाया ना? नहीं झूठ बोल रहे हो। हम लोग के वजह से भैया लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। दिक्कत किस लिए हो रहा है? दिक्कत नहीं, इतना दिन से हम लोग दोनों ही बैठा है ना। हाँ आदमी तो सारा आदमी हो गया, इतना अभी अच्छा लग रहा है। नहीं थोड़ा हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ये जगह है ना बहुत ही पूरा खुला है, नेचर से पूरा घिरा हुआ है ना, बहुत अच्छा लग रहा है जगह। तो चलो गाइस बनाते हैं। देखो चावल बन चुका है और अभी हम लोग बनाएंगे अंडा फ्राई, क्योंकि जो भैया लोग दाल बनाए हैं उससे एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि दाल बनाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। कल हो जाएगा। अरे यार दाल बनाने बैठेंगे तो कल होगा। एक दिन लगेगा पूरा। और बॉडी में उतना पेशेंस भी नहीं है। और हम लोग आज थोड़ा जल्दी सोना है क्योंकि कल जल्दी उठना है। इसको कहाँ फेंके? इधर फेंकने से भी हो जाएगा। तो चलो गाइस बनाते हैं। देखो चावल बन चुका है और अभी हम लोग बनाएंगे अंडा फ्राई, क्योंकि जो भैया लोग दाल बनाए हैं उससे एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि दाल बनाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। कल हो जाएगा। अरे यार आज दाल बनाने बैठेंगे तो कल होगा। एक दिन लगेगा पूरा। और बॉडी में उतना पेशेंस भी नहीं है। और हम लोग आज थोड़ा जल्दी सोना है क्योंकि कल जल्दी उठना है। इसको कहाँ फेंके? हरी मिर्च कहाँ है लाले? और गाइस हम लोग यहाँ पे बैठ गए खाने के लिए। तो हम लोग ने बनाया अंडा भुर्जी और भाई ने बनाया यहाँ पे पत्ता वत्ता डाल के जो एक दाल, बैक कैमरे में दिखाता हूँ, शॉर्टकट का अंडा भुर्जी जो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगा होगा। बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। और ये रहा पत्ता वत्ता देके दाल बनाया गया है। और ये है चटनी, ड्राइड फिश का चटनी। गाइज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है।
टिंकू सब नहीं नहीं खाना की बात नहीं बोल रहा हूँ, माहौल की बात बोला। देखो चारों ओर ऐसे पूरा जंगल मून दिख रहा है, चारों ओर पूरा सन्नाटा। बहुत मस्त जगह पे रहते हो आप लोग। चटनी थोड़ा खा के बताओ टिंकू। अच्छा है ना? तो गाइज खाना पीना तो हो गया, अभी सोने से पहले आप लोगों को थोड़ा हम लोगों का सोने का जगह दिखा देता हूँ, ठीक है ना? बहुत ही मस्त जगह है सोने के लिए। देखो यहाँ पे हम लोग खाए हैं और जस्ट इसके ऊपर देख रहे हो, ये देखो ये रहेगा हम लोगों का मतलब सेकंड स्टोरी बेड। चलो अंदर जाके देखते हैं कैसा है, इसके ऊपर चढ़ने का जगह। आराम से चढ़ना है। इसका डोर कहाँ है? ये अंदर 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 खुलेगा। अच्छा अच्छा ये खुल गया। टन टन ये देखो गाइस पूरा मस्त जगह। क्या बोल रहे हो, मस्त जगह है ना? तो मजा आएगा सोने में। नहीं आजा आजा, कैसा लग रहा है? बढ़िया। सोचो अभी अगर बारिश होता भयानक कितना मस्त लगता, गजब लगता। नहीं मस्त लगता। इसके अंदर कैंपिंग होता है, यहाँ पे छोटा सा गैस लगे पकौड़े बनाते हैं यहाँ पे बैठ के, पूरा ट्री हाउस जैसे फील आता है। नहीं गुड मॉर्निंग गाइस, अभी टाइम कितना है सुबह के? 4:26 और बाहर पूरा सुबह मतलब 4 बजे से पूरा लाइट था बाहर। देख रहा था मैं यहाँ पे, मतलब वो इतना ऊपर है लाइट अंदर से घुस नहीं पा रहा है, बोलते अंधेरा टाइप का दिख रहा है, लेकिन बाहर भाई पूरा लाइट। सुबह हम लोग को उठने के बाद थोड़ा ये रबर प्लांटेशन का थोड़ा बहुत शॉर्ट वर्ड हम लोग लिए, अच्छा खासा वीडियो बनाया उसका, और उसके बाद यहाँ पे बारी है खाना खाने का। खाना खाने के बाद शुरू होने वाला है और बाकी काम, ठीक है? लेकिन इसके बीच हमारे मतलब बेमो भाई थोड़ा बहुत न्यूज़ लेके आ गए हैं। तो बेमो भाई बोल रहे कि यहाँ पे हम लोग का ना जो पुष्कर वीडियो बनाने का प्लान था, तो बोल रहे कि वो वाला शायद यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, हम लोग यहाँ से जल्दी वीडियो बना के गाँव की तरफ जाना पड़ेगा। तो एक दिक्कत, अभी पता नहीं सामने और कितना वीडियो बना पाएंगे या फिर कितना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे गाँव में थोड़ा काम है, तो आप लोग यहाँ पे अकेला ऐसा छोड़ के मतलब पहाड़ का आदमी लोग ये आगे, क्योंकि यहाँ पे काम करता है और कोई कोई तारो पीता है, हंगामा करता है गाँव में, तो ये सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है यहाँ पे, थोड़ा ये नशा वशा करना पूरा बंद है, अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो पूरा फ्री में रहता है सब लोग, तो दिन में पूरा काम करता है और शाम को थोड़ा बी के कभी कभी नशा होके छकरा हो जाता है, ये हो जाता है, तो आप लोगों को ऐसा अकेला छोड़ने का भी मन नहीं है, तो सेफ इतना सेफ भी नहीं है ना। वो तो डेफिनेटली है, ये जो जगह है भाई अगर सही से रहो सही है, वरना बहुत रिस्की भी है, तो पता नहीं फिर से शायद हम लोग को प्लान में चेंजेस लाना पड़ेगा या करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो भाई आके इन लोगों को कन्विंस कर दिए कि खाना बनाने में राजेश भाई पूरा एक्सपर्ट है। इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। मतलब भाई ने कल चटनी बना के खिलाया है, वो हमारा लोथा स्टाइल का, आज राजेश भाई बना के खिलाना चाहिए ना, उसका हाथ लेके सब टेस्ट नहीं करते, एक्सपीरियंस हो चुका है, जादू है, जादू उसका हाथ से देखना होगा हम लोग को, और राजेश भाई पूरा घर में जाके ना कितने बजे खा के जाओगे ना? नहीं 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 लोगों को आगे जाना होगा, ऐसा अभी जाना है, मैं अभी चले जाओगे? हां अभी जाना है, मतलब कितना दूर चल के जाओगे? बाइक लेके आप तो हमारे लिए रख के जाओगे ना भाई, ताकि हम लोग कल सुबह थोड़ा जल्दी जा पाए, पूरा लकड़ी लगा के उसमें 4 आदमी बैठ के आ जाना चाहिए। तो आगे में आदमी से थोड़ा जल्दी नहीं है, चटनी सटनी नहीं बना, रात नहीं खाएगा बना के, क्या करें गाइस? आप लोग देख रहे हो किस तरीके का यहाँ पे हम लोग डिफिकल्टीज जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन ये जो जिंदगी जी रहे ये डिफिकल्टीज नहीं है,
ये मजा है। हम लोग चाहते थे इस मजे को और अच्छे से लेने के लिए, लेकिन टाइम जो है वो एक कॉन्स्टेंट है, सिचुएशन कॉन्स्टेंट है। कि सिचुएशन थोड़ी देर पहले बोला था, वेमू भाई ने आके क्या बोले थे, बोल रहे थे 26 तारीख को शाम को निकल जाएंगे, अगर मौसम अगर 27 को बारिश होने का दिया तो शाम को निकल जाएंगे। दो चीज में हम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा, बहुत बहुत कुछ है। फिर भी देखते कोशिश करते, जितना भी वीडियोस का प्लान बना के आए सारा बना के जाते, लेकिन एक चीज तो है भाई, इतना हड़बड़ी में वीडियो बनाएंगे थोड़ा तो कमियां रह जाएंगे भैया। हाथों से बनाया बहुत टेस्टी हुआ है। टेस्टी हुआ है कैसे लग रहा है टिंकू भाई? ऐसे ही बोल रहे, अच्छा लग रहा है? नहीं, दाल की तरह लग रहा है। हम लोग अभी यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। आप लोग जो लास्ट क्लिप देखे थे वो परसों रात का था, नहीं लास्ट क्लिप परसों रात का था खा रहे, उसके बाद जो परसों रात का था उसके बाद उसका जो नेक्स्ट दिन है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो रबर का जो फार्म है यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाए, उसके बाद और एक वीडियो भी बनाया कल रात को भी, वही मतलब वही सिमिलर चीज़ था, क्योंकि हम लोग दिन भर इतना टायर्ड हो गए थे, फिर रात को और क्या ही दिखाए आप लोगों को, इसलिए दिखाए नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो टाइम हम लोग बिताए बहुत ही मस्त टाइम था, नहीं बहुत अच्छा लगा। तो अभी जाने का बारी है, तो भाई हम लोग चलते हैं भैया। भैया पहले भी बोल चुके हैं, रवि अभी बोल रहे हैं आशीर्वाद दे रहे, भगवान का आशीर्वाद रहेगा भैया, बोल दिया मतलब भाई वो जो रबर प्लांटेशन का जो वीडियो जो भी है वो अच्छा से जाएगा, ठीक है भैया का आशीर्वाद है हम लोगों के साथ, ठीक है। थैंक यू अभी आप लोग का मिलेगा, डेथ होगा हम लोग का भी पता नहीं, हम लोग का भी हम लोग का आसाम का आदमी कार्बी अंगलोंग का कार्बी लोग का मिलेगा, वहाँ जाके उन लोग का मिलेगा, हम लोग वो उतना सोचता नहीं, लेकिन कहां से, हम लोग कहाँ से आए और भैया लोग कहाँ से आ रहे, यहाँ पे आके कैसे पूरा मिल गया, पूरा अलग अलग, मतलब हम उड़ीसा, भैया लोग आसाम और मिले नागालैंड। फाइनली निकल चुके हैं और डाटा देखो क्या खा रहे हम लोग, सुपारी, कच्चा सुपारी, यहाँ पे सुपारी का फार्म बहुत है, वही खा रहे, थोड़ा रास्ते में हेल्प होगा शायद, पता नहीं। और आप लोग एक चीज़ दिखाते हैं, ठीक है? अभी देखो ये क्या बोलते हैं उसको, ट्रेलर देख गया पीछे है ना, बढ़िया चीज़ दिखाते हैं। टिंकू ने क्या ही गलती किया, टिंकू लाला दोनों देखो चप्पल पहन के आए, बारिश हो गया आते वक्त तो भाई बारिश था नहीं, देखो देखो टिंकू, देखो टिंकू मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आज बहुत बार गिरने वाला है टिंकू, टिंकू और लाला इन दोनों का ना पिछवाड़ा पूरा येलो हो जाएगा, ऊपर वाला हमारे साथ है, नीचे वाला भी है, चलो नीचे वाला ज्यादा साथ रहेगा अभी ये रास्ते में, तो हो गया रास्ता, जैसा रास्ता है आगे फिसलन तो होगा ही, चलो चढ़ाई रहेगा मैक्सिमम, तो थोड़ा कम हो सकता है, नहीं ये देखो यहाँ से वो यहाँ तक गया, रोक नहीं पा रहा था खुद को, हम सब ऐसे ही देखते रहते, टिंकू हो लुढ़कता हुआ नीचे जाता, मैं वीडियो ऑन करके रखता हूँ, पक्का दिखेगा, पक्का दिखेगा मुझे। अरे सबके पास शू है, शू ना ला के सब चप्पल पहन के आया, टिंकू के अगर शू भी ट्रेन में खो गया लेकिन फिर भी वो बेमो का चप्पल लेके, ऐसे चप्पल, बेमो का चप्पल किधर है उसका चप्पल, ऐसे चप्पल है नीचे पूरा फ्लैट भाई, यहाँ पे आते वक्त कितना कम पानी था, पूरा डूब गया ये वाला, ए, 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 नहीं 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 मत गिरना, मत गिरना, मुझे कंटेंट नहीं चाहिए। खत्म गाइस, हम लोग आज खत्म, देख रहे हो सूरज कितना भयानक, पूरा सर के ऊपर, मतलब याद होगा आप लोगों को हम लोग जो
सामान लाने गए थे गांव, उस दिन जैसा गर्मी, सामान तो उस टाइम बिल्कुल हमारे पास जाते वक्त था नहीं, फिर भी हालत ख़राब हो गया था। अभी इतना सामान है कैसा रहेगा। तो गाइज हम लोग का जितना भी थोड़ा बहुत फ्लैट जो रास्ता है वो हम लोग कवर कर चुके हैं। अभी यहाँ से सामने से शुरू होने वाला है खड़ी चढ़ाई। और देख रहे हो धूप कितना, बाहर समझ में आ रहा होगा कितना भयानक धूप है। इतना सामान लेके इतना धूप में सोचो कैसा लग रहा होगा भाई। आज इतना बारिश और अभी इतना धूप। तो यहाँ पे 10 मिनट रेस्ट लेते हैं और फिर चलते हैं। तो गाइस हम लोग करीब 1.5 घंटा हुआ है यहाँ पे आके पहुँचे हैं। मतलब रास्ते में क्या ही बताओ, हालत इतना टायर्ड फील नहीं हो रहा था लेकिन गर्मी की वजह से इतना फालतू लग रहा था ना। और हम लोग डिसाइड किए कि जो आज का दिन है, इतना टायर्ड होके आए पूरा वीडियोज वगैरह बना के, थोड़ा बहुत सोच रहे थे कि आज और एक जाए सोलो कैंपिंग बना ले, फिर सोचे नहीं थोड़ा बॉडी का हालत देखना पड़ेगा क्योंकि इतना झटपट से सब करूँगा तो नहीं हो पाएगा। इसलिए आज रेस्ट, बढ़िया खाना पीना खाएंगे। आज का खाने का भी बहुत कुछ है लेकिन अभी का ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी पूरा सब टायर्ड हो गया हूँ। मैं फ्रेश होके आया हूँ, अभी लाला तुषार टिंकू गया है फ्रेश होने के लिए। मैं और लाला मिल के थोड़ा यहाँ पे बना रहे हैं आटा, उसके अंदर ऑनियन और हरी मिर्च डाल दिया हूँ, उसको थोड़ा मिक्स करके, मतलब कैसे बोलते हैं उसको, पैनकेक काइंड ऑफ बनाना है। और क्या कैसा लग रहा है टिंकू, नहा गए पूरा फ्रेश? ना तो अच्छा लग रहा है, रेस्ट है। रात का खाना भी अच्छा खासा ही होगा। लाला तो यहाँ पे केक कट कर रहा है। हैप्पी बर्थडे, इक्वल पीसेस में डिवाइड कर रहे हैं। ये नापने के लिए कुछ ला, स्केल वगैरह लाके दे रहे। स्केल चलो चलो खाते हैं। गरम है। ये रहा आज का हम लोग का लंचू। कैसा है? अभी ठीक है। नमक ठीक है? तो थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए था। नमक तो ठीक है। लाला का तो पता ही है नमक कैसा खाता। दोनों में कम जिंजर गार्लिक भी डाल दो। और भाई बाहर का मौसम बड़ा ठंडा है, अच्छा लग रहा है। नहीं और आज रेस्ट भी है। और बंधु इसमें और ऐसा लग रहा है इतने दिनों बाद जाकर अभी थोड़ा सुकून मिल रहा है। वाइस हो जाए बारिश होना तो जाकर शाम को और कितना सुकून आता। बारिश तो हो रहा है उधर। बढ़िया लगा देखने खाने को। देखते हैं खाते है ना, वैसे ही बनाता रहता है खाता रहता है। उसके बाद जाकर बैठ कर थोड़ा स्क्रिप्ट लिख लेंगे, ठीक है? कार्ड्स खेलेंगे। आज तो बहुत कार्ड्स खेलेंगे। सोना बिल्कुल नहीं है। गुड इवनिंग गाइस, शाम के अभी 6:30 हुआ है और हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं कि भाई लाइट कब आएगा। आने के बाद से लाइट नहीं है, पता नहीं क्या ही हुआ है बारिश की वजह से। पूरा सब कुछ डेड है, मोबाइल भी डेड हो जाएगा, किसी में भी चार्ज नहीं है क्योंकि हम लोग जितना भी चार्ज था वहाँ से पूरा ड्रेन करके आए क्योंकि आप लोगों को तो पता है वहाँ पे भी लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं था। हम लोग रबर फार्म के वहाँ पे अभी इंतजार क्या है कर रहे हैं। लाइट नहीं आएगा तो ऐसे ही अंधेरे में बनाना पड़ेगा, आप लोग ब्लॉग नहीं देख पाओगे, वो बन नहीं पाएगा। लेकिन अभी फिलहाल ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आज रिलैक्सेशन डे है, थोड़ा सो लिया, अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। आज चिकन जो बना है ना पूरा घर का याद आ जाएगा पूरा। अरे 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 ओए हो, देख के तो गजब दिख रहा है। कश्मीरी चाइनीज सब मिर्ची डाल दिया।
खाएंगे पूरा पूरा पेट। चावल डाला ना 1 किलो, कम तो नहीं? नहीं दबा के खाएंगे आज। तो गाइज शाम के बाद लाइट आ गया, फिर हम लोग अंदर आए और आज भाई तुषार चिकन बनाने गया था। आप लोग तो सोचो चिकन कहाँ से आ गया। तो यहाँ से करीब एक हफ्ता पहले जो चिकन लाया गया था जिसके मतलब वीडियोस के लिए, तो हम लोग का एक वीडियो का कैंसिल हो गया प्लान, तो उसके लिए जो चिकन रखा हुआ था वही चिकन अभी आज हम लोग बना के खाया मतलब खा रहे हैं। तो तुषार चिकन बना रहा था, मैं यहाँ पे एडिटिंग वगैरह कर रहा था, फाइल्स कॉपी कर रहा था और हम लोग बहुत सारा प्लान प्लॉटिंग कर लिया। अगर वो इस तरीके का वीडियो बन गया तो जबरदस्त वीडियो आएगा, मतलब ये ट्रिप सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी सामने जितना प्लान है पूरा हम लोग के प्लान के हिसाब से हो जाए ये ट्रिप पूरा 100% सक्सेसफुल, मतलब 90% सक्सेसफुल नहीं 90, 99, 95% 5% जो एक वीडियो कैंसिल हो उसकी वजह से ज्यादा टाइम कोई ये नहीं रहेगा, गम नहीं रहेगा, गम नहीं रहेगा, रिग्रेट नहीं रहेगा। ठीक है, मजाक करते करते चलो परोसते खाते हैं। अभी परोसते हैं खाते। आप लोग तो चिकन देख लिए और शायद ब्लॉग यहीं पे खत्म करते। पता नहीं ये ब्लॉग कब से शुरू होके कब खत्म हो रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं। बस जब भी मन हो रहा है मूड हो रहा है मोबाइल निकाल के बना रहा हूँ, क्योंकि बाकी टाइम और पेशेंस नहीं रह रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट हमारा ब्लॉग आएगा शायद खाने चिकन के रिव्यू में मिलते हैं। अच्छा अच्छा चिकन का रिव्यू में मिलते हैं। ठीक है, चिकन का रिव्यू में मिलते हैं और उसके बाद डिलीट बंद कर दूंगा। नेक्स्ट ब्लॉग आएगा हम लोग का शायद यहाँ से निकलते वक्त, नहीं जब देख लेंगे तो गाइस अभी रिव्यू टाइम है, बताओ खा के। मैं तो इंदुआ बताओ तुमको बार लाला बताता हूँ। अच्छा बना है, थोड़ा नमक की कमी है तो नमक लाओ जल्दी से, नमक तो है यहाँ। कैसा लगा भैया? बस चलो दबा के खाते हैं भाई आज बहुत दिन के बाद चिकन का झोल से, क्योंकि चिकन तो दिख ही नहीं रहा इसके अंदर। चिकन का ग्रेवी से खाते हैं।